गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं और वैक्सीन क्या होता। अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन काम कैसे करता है। इससे पहले हम कुछ चीज़ें आप देखिए की फैक्ट में दी हुई हैं, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है पेनिसिलिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। मतलब पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में और ये ऑब्टेन की गई थी फंगस पेनिसिलियम से। सेकेंड इज एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी 1798 में। सेकेंड इज व्हाट इज वैक्सीनेशन। अभी मैंने आपको बताया वैक्सीन क्या होती है, तो वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग अ वैक्सीन इन टू द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक वैक्सीन को इंजेक्ट करना वैक्सीनेशन कहलाती है। एंटीबॉडी क्या होते हैं, अभी हमारे आएगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज अ सब्सटेंस इन द ब्लड दैट हेल्प टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी सब्सटेंस होता है ब्लड में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी देता है। सेकेंड वैक्सीनेशन काम कैसे करता है हम पढ़ेंगे। सम वाइट ब्लड्स, जैसे ही हमारी बॉडी में वेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर योर बॉडी एक्ट इन टू वेज। अब हमारी बॉडी दो तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, टू वेज से रिएक्ट करेगी। फर्स्ट क्या करेगी, सम वाइट सेल WBC सेल्स होती है, वाइट सेल्स होती है बॉडी में हमारे ब्लड में, तो क्या करेगी ये वाइट ब्लड सेल रीच द इन्वेडिंग माइक्रो। इन्वेडिंग मतलब जो बाहर से हमारे माइक्रोब्स आए हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके पास जाएगी एंड ईट देम, उसको खा लेगी। ये देखिए हमारा वाइट सेल है, ये हमारा माइक्रोब जैसे ही इंटर किया इसके पास गई और इसको क्या करी, डिस्ट्रॉय कर दी। ये देखिए इंटर करके उसको डिस्ट्रॉय कर दी। तो फर्स्ट क्या करेगी, WBC माइक्रोब के पास जाएगी और उसको डिस्ट्रॉय कर दी। सेकेंड क्या करेगा, सेकेंड स्टेप में सम वाइट सेल्स प्रोड्यूस केमिकल। अब कुछ वाइट सेल्स हमारी क्या करेंगी, केमिकल प्रोड्यूस करेंगी, यही केमिकल क्या कहलाता है, एंटीबॉडीज। तो सम वाइट सेल प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जो भी हमारे बाहर से माइक्रोब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आएंगे तो वहाँ केमिकल बना देगी जो उनको माइक्रोब्स को किल कर देगा या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। एंटीबॉडीज सराउंडेड द इन्वेडर माइक्रोब, जो भी बाहर से माइक्रोब्स आ रहे हैं उनके चारों तरफ सराउंड कर जाएगी और उसको ईट कर लेगी। दैन ईट इट, देखिए ये हमारा ये क्या है, हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या करेगी, कुछ केमिकल्स सिक्रीट करेगी। अब ये मान लीजिए ये हमारे वायरस अटैक किया, वाइट ब्लड सेल ने क्या किया, केमिकल, ये हमारे एंटीबॉडी केमिकल है, जैसे इसने बनाया प्रोड्यूस किया और ये क्या करे, द वायरस बिकम सराउंडेड बाय एंटीबॉडी। ये हमारा वायरस था और ये हमारे एंटीबॉडी थे, इनके चारों तरफ सराउंडेड हो गए और फिर इसको ईट कर गए। वंस द वायरस हैज बीन सराउंडेड वाइट ब्लड सेल ईट्स इट, वाइट ब्लड सेल इसको ईट कर देती है और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, उस माइक्रोब से बच जाती है। अब हमारे आया क्या हमको हर बार इंजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं, हमारी बॉडी को हर बार इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वंस अवर बॉडी हैज बीन इन्फेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर माइक्रोब द बॉडी रिमेंबर्स विच एंटीबॉडी वॉज एबल टू फाइट माइक्रोब। जैसे ही अब एक बार हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो क्या होता है ये लाइफ लॉन्ग के लिए कभी कभी बन जाते हैं और कुछ के लिए कभी कभी नहीं बनते हैं। जैसे चिकन पॉक्स वगैरह में मोस्टली एक बार हो जाता है तो दोबारा होता नहीं है, कभी कभी किसी को हो जाता है, तो कोई वो नहीं। वंस योर बॉडी हैज बीन इन्फेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर माइक्रोब, अगर आपकी बॉडी किसी माइक्रोब से इन्फेक्टेड हो चुकी है, द बॉडी रिमेंबर विच एंटीबॉडी वॉज एबल टू फाइट द माइक्रोब। तो बॉडी को ये रिमेंबर रहेगा किसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनानी है,
दिस मीन्स दैट इफ यू वंस इन कॉन्टेक्ट विद द सम माइक्रोब्स अगेन, जैसे ही हम उसी माइक्रोब्स के कॉन्टैक्ट में फिर से आएंगे, योर बॉडी कैन मेक एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी तुरंत जान जाएगी कि कौन सा एंटीबॉडीज बनाना है, एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, और वो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देती है बिफोर इट कैन यू इल, तुम आपके बीमार होने से पहले. दिस इज नोन बिकमिंग इम्यून, इसको कहते हैं बिकमिंग इम्यून. दिस इज हाउ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड टू द बॉडी अगेंस्ट डिजीज इज इन अ नेचुरल वे, इससे हमको एक नेचुरल वे में बॉडी को इम्यूनिटी मिल जाती है. इसका मतलब ये हुआ अगर हमको कोई एक डिजीज़ एक बार हो चुकी होती है और हमारे ऊपर हमारे अंदर एंटीबॉडी बन चुके होते हैं, तो जैसे ही वही माइक्रोब हमारी बॉडी में फिर से अटैक करता है तो हमारी बॉडी के पास अपनी मेमोरी होती है कि इसके लिए हमको कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, और वो तुरंत एंटीबॉडी बना लेती है ताकि वो माइक्रोब्स हमको ज़्यादा हार्म ना कर पाए. इसको कहते हैं हमारा बिकमिंग इम्यून.